जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत हुई है, बधाई देना चाहूँगा कर्नाटक की जनता को, देश की जनता को, कि उन्होंने सन 2024 की तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है किस प्रकार से 2024 में भी रहेगा पूरे देश में। और ये कहूँगा कि कांग्रेस की नीतियों की जीत है और नफरत और भय की जो माहौल है उसकी हार है। बीजेपी के बहुत बड़े बड़े दिग्गज प्रधानमंत्री तक वहाँ पर प्रचार करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने धर्म के नाम पर वहाँ राजनीति वहाँ भी करने की कोशिश की, लेकिन कर्नाटक की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। निस्संदेह अब उनको एक संदेश है कि देश की जनता सिर्फ और सिर्फ बदलाव चाहती है, क्योंकि इनकी झूठ का पुलंदा पूरे देश के सामने खुल चुका है। चारों तरफ जिस प्रकार से बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, तो इसको लेके लोगों में रोष है, महंगाई को लेके लोगों में रोष है। उन्होंने माकूल जवाब दिया है इनकी नीतियों का। तो इतना कहना चाहूँगा कि जय बजरंगबली, तोड़ दी दुश्मन की नगरी। देखो, कर्नाटक के रुझान से स्पष्ट है कि कर्नाटक में बीजेपी की जो कमीशन कोर सरकार थी वो जा रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। बहुत ज़्यादा इन्होंने इस बात को प्रचारित करने का काम किया कि किस प्रकार धार्मिक भावनाएं भड़का के लोग वोट लें, परंतु कर्नाटक के जागरूक मतदाताओं ने बीजेपी को चलता किया। इसका सीधा मतलब है कि 2024 में इस देश के अंदर बीजेपी का जाना निश्चित है और कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि श्री राहुल गांधी जी ने पदयात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक शुरू की थी। वो एक इशू लेके चले थे, वो लेके चले थे देश के अंदर जो संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, देश में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए जो ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने विरोधियों पे, उसको लोगों ने माना और जनता ने कर्नाटक की उस पर मोहर लगाई। निश्चित रूप से आने वाला जो कल है वो कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस की सरकार बनेगी और बीजेपी का जाना अंत है, निश्चित है, क्योंकि ये सरकार केवल धर्म पे टिकी है। ना ही वो बेरोजगारी की बात करते, ना ही ये महंगाई की बात करते। तो जो सरकार का ध्येय ही लोगों को भावनाएं, जाति और धर्म के नाम से बांटने का है, तो लोगों ने उनको नकार दिया। जब खुशी होती तो जश्न मनाया जाता। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि कांग्रेस दोबारा अपने चढ़ाव पर है और हमारे कार्यकर्ता साथियों का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है इसमें। जो कार्यकर्ता सोचता था कि नहीं, जो थोड़ा पर निराश था, आज उनके लिए एक आशा की किरण, क्या आशा का सूरज आया और ये पूरे में जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो समझने वाली है, दक्षिण में भाजपा का अब वर्चस्व खत्म। आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं यथास्थिति क्या है। आम जनता परेशान है, आम आदमी परेशान है, बेरोजगारी पूरे चरम सीमा पर है। तो जब जेब खाली होगी, कमाई के साधन नहीं होंगे, तो आदमी क्या करेगा। धर्म तो बहुत बाद में आता है। और जो कहते हैं ना, दो लेबॉरेटरीज थी, कर्नाटका और मध्य प्रदेश। अब आप जल्द देखें, छत्तीसगढ़ का चुनाव आने वाला है, उसके बाद मध्य प्रदेश का आने वाला है, फिर लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और उसके बाद हरियाणा का है। आप खुद देखेंगे कि जनता कैसे बदलाव चाह रही है। जनता ने अपना मत डाल के सारे मुंह बंद कर दिए।